फैन दोस्तों, मैं सामल वेलकम करता हूँ मेरे चैनल पर। आज मेरा चैनल में नया नया वीडियो के साथ मैं अपलोड करता हूँ, तो चलिए आज कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। थोड़ा पीछे से एक बार व्यू दिखा देता हूँ, जो इनके पास जो लाभ बार्ड्स है और जावा है और फिंच है, तो इसका ब्रीडिंग प्रोग्रेस और इसके बारे में कॉकटेल है बहुत सारे का वीडियो में दिखाऊंगा एक एक करके। तो एक बार इनका जो सेटअप है थोड़ा सा एक बार मैं दिखा देता हूँ, फिर मैं जावा के बारे में बताऊँगा और फिंच के बारे में। तो चलिए एक बार मैं व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो जितना सारे है ना बाहर बाहर घूम रहा है, मटकी लगा हुआ है, तो इसके बारे में बताएंगे। देखिए, सब ओपन ओवर में घूम रहा है, बाकी जो बॉक्स के अंदर लाभ बार्ड्स है ना वो रखा हुआ है। तो चलिए सर इसके बारे में पूछते हैं। ये वाला सब फिंच है ना दादा? और ये हमारा श्रीकांत दादा, सब वीडियो में आप लोग देखे होंगे। दादा ने नमस्कार बोल लो। ठीक है, तो चलिए एक बार वीडियो में दिखा पाऊँ। और इसमें फिंच के जो अच्छा, ये सब चिक्स अभी निकला है, तो अभी बहुत सारे था, अभी बेच दिया होगा। ये जो छोटा वाला केज है ना, इसके अंदर एक करके रखा हुआ है, तो इसके बारे में अच्छा, तो फिंच पर डे 7 ग्राम खाना का मतलब दाना लेता है, खाना खाता है। तो और आगे मैं आपको जेब्रा फिंच के बारे में दिखा रहा हूँ, तो ठीक है। तो चलिए इसको जेब्रा फिंच का दिखा दो ब्रीडिंग को। ये एक किलो की लकी बोलता था, किलो टुगरी बोले ना, जो टुगरी लगा हुआ है छोटा सा। ठीक है, ये देखिए टुगरी लगा हुआ है और ये सब ब्रीडिंग बार्ड है। और ये जो जेब्रा फिंच है, ये वाला फीमेल है। हाँ, ये वाला मेल है इसको। अच्छा, राइट साइड वाला मेल है और लेफ्ट साइड वाला फीमेल है। ये जो गाल में लाल दाग हुआ है, ये कौन सा? ये मेल। ये मेल। मेल। अच्छा, ये जो गाल में दाग लगा हुआ मेल है और इसमें कोई दाग नहीं है। अच्छा, इसका गाल में कोई दाग नहीं है, तो ये मतलब फीमेल है। अच्छा, ये मेल फीमेल। और एक बार डाउट हो रहा है, ये मतलब ये जो मुंह में कोई फेस में दाग नहीं है, ये काला का डॉट लगा हुआ, ये फीमेल है? जो लग रहा है वो भी फीमेल है। ये फीमेल है, इसका कोई काला दाग नहीं है इसका। इसका अच्छा, आंखों में कोई काला लग नहीं, मतलब ये मेल है। ये मेल, इसका जो आंखों का नीचे जो मूल वाला पट्टी है, वाला पट्टी जो है वो फीमेल मेल है। मेल है। अच्छा, और भी उसको बुक। अच्छा, चेस्ट में। चेस्ट में जो जेब्रा फिंच का चेस्ट में क्या है? इसका नाम इसलिए जेब्रा है। अच्छा, ये जो जेब्रा कलर का दाग है सब चेस्ट। अच्छा, जो इसमें जो मेल है ना, मेल का चेस्ट में ब्लैक का वो जेब्रा जैसे कलर है। अच्छा, तो ये इसलिए जेब्रा फिंच बोलते हैं। लेज में भी शायद कलर का दाग है ना? लेज में नहीं, लेज में सेम। अच्छा, सेम कलर। तो मेल फीमेल आप लोग पहचान गया होगा। अब ये देखिए, जो अभी जो मुख का आँख के नीचे कलर दाग है, ये फीमेल है। अच्छा, जेब्रा फिंच तो आप लोगों को पहचान गया। अभी जो व्हाइट फिंच है, ये इसके बारे में पूछेंगे अभी क्या है। व्हाइट फिंच का बोलो। जिस व्हाइट वाला जो फिंच है, ये दिन में 7 ग्राम खाना लेता है। तो इसके बाद जो इसका जो पहचान का तरीका, व्हाइट वाला बहुत थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। जो मेल फिंच बार्ड होता है ना, उसका जो लीफ है, वो लीफ देख के पहचान जाता है वो क्या, ज़्यादा फीमेल से ज़्यादा रेड होता है? नहीं, मेल से रेड होता है। मेल रेड होता है। अच्छा, मेल ज़्यादा रेड होता है ना फीमेल से? अच्छा, वही बोलो ना। ठीक है, जो मतलब मेल सबसे ज़्यादा रेड होता है, फीमेल थोड़ा सा कम रेड होता है। और जो पैर है, पैर का जो नीचे थोड़ा सा कलर कम रहता है ना, ज़्यादा रेड कलर रहता है, मतलब पार्ट का बेसिक कलर था वे तो। अच्छा, पैर ज़्यादा कलर रहता है। तो मेल फीमेल का पहचान का तरीका, दोनों एक साथ बैठा रहता है, दोनों को मतलब क्या की बोलो टाके जेब्रा फिंच के बारे में बता दिया, और उसके बाद व्हाइट जो फिंच है उसके बारे में बता दिया। और आगे ब्रीडिंग प्रोग्रेस मैंने चाज करे, तो क्या फायदा है, मैं फायदा कैमन लगे? बच्चे साधारण 8 থেকে 9 বার ডিম পাড়ে। আচ্ছা, 13 দিনে বাচ্চা ফোটে। 13 দিনে বাচ্চা, খুব কুইক বাচ্চা বেরিয়ে রেডি হয়ে যায়, মানে 45 থেকে 50 দিনের মধ্যেই বাচ্চা বেরিয়ে রেডি হয়ে যায়। और फिंच का जो सबसे अच्छे वाला फायदा है ना, मेल फीमेल बहुत जल्दी लग जाता है और बहुत जल्दी ब्रीड करता है, मतलब 14 दिन में ब्रीड करता है ना। 14 दिन में बच्चे फूटे। अच्छा, अंडा ले करने के बाद 13 डेज में इसका जो एग से चिक्स बाहर आ जाता है। ठीक है, और 23 दिन में एडल्ट हो जाए। एडल्ट होने में 2.5 मंथ लगता है। ठीक, मतलब 2 महीना और
दो महीने 15 दिन ऐसे कुछ लगता है एडल्ट होने में, मतलब सबसे इजी तरीका है, सबसे अच्छा फायदा है। साल में 8 बार मतलब 8 बार इसको अंडा देता है, ठीक है। और चिक्स कत को एवरेज बेरा अच्छा मैक्सिमम 3, 4, 5, 6 जैसे उसका प्रोडक्ट होता है ऐसे निकलता है। खाने के लिए ज़्यादा कौन सा देता है वो कंगी वाला। दोस्तों अभी जो फिंच बार्ड्स है ना उसका जो फूड के बारे में पूछेंगे दादा, तो दादा फूड के बने खबर की दे रहे वही छोटा कंगी दाना एक लो छोटो कंगी दाना हाँ और ब्लैक सीड तिल तिल जे लोग बोले इससे वही सॉफ्ट फूड ওটা হচ্ছে সফট ফুডে আসছে গাজর আর গাজর বিস্কুট আচ্ছা দুধ পাউরুটি ব্রেড পাউরুটি দিতে হয় দুধ পাউরুটি দেওয়া যায় ছানা দেওয়া যায় অনেকে আচ্ছা তো দোস্ত আমি যে দাদা আছে মে পুছা ও গেলে সব থেকে ভালো হয় পিউরা ডিম পিউরা ডিম তো আমাদের আচ্ছা পাওয়া যাবে না পিউরা ডিম সব থেকে তিন চার জাহার সব থেকে মানে ফেভারিট খাবার হচ্ছে পিউরা ডিম আচ্ছা तो दोस्तों अभी दादा से पूछ लिया मैंने इसका जो फूड के बारे में, तो मुझे छोटा सा कंगी दाना है वो लेता है दिन में 7 ग्राम लेता है, ठीक है। और इसका जो कौन सा था ब्लैक सीड है ना ब्लैक सीड जो जो हाँ जो जो छोटा वाला दाना कंगी दाना उसके साथ जो ब्लैक सीड है दोनों मिलके सिंह को खिलाता है फीड करवाता है। और सॉफ्ट फूड के अंदर बिस्किट जो अंडा वो लेग से लाभबार को देता है सामान इसको भी ऐसे आप दे सकते हो, ठीक है। सबसे अच्छे वाला ये बाट से मतलब मतलब बहुत मतलब आज जल्दी ब्रीडिंग करता है ये सबसे अच्छे ही निकल जाता है। तो ये हो गया आपका फिंच के बारे में। मतलब फिंच कौन टाइप का है मैंने किस धरने कौन धरने फिंच पा जाए एगुलो जेब्रा फिंच गोल्डियन लॉन्ग टेल स्टार अच्छा जेब्रा गोल्डियन लॉन्ग लॉन्ग टेल स्टार मतलब पा जाए हमारे का फ्री मतलब जेब्रा ही अच्छा मतलब बहुत सारे फिंच हैं दादा ने बोल दिया बंगाली फिंच लॉन्ग स्टार लॉन्ग टेल अच्छा लॉन्ग टेल बहुत सारे है दादा के पास ओनली ये कौन सा जेब्रा फिंच दादा के पास ओनली जेब्रा फिंच है और व्हाइट फिंच है ये ऊपर अच्छा ये भी जेब्रा फिंच है ना अच्छा दादा ये बोलना चाहता है कि कुछ कुछ दाग मतलब इसमें जेब्रा तो आते हैं ना खाना कुछ सुन लिया ना इसमें कुछ कुछ जेब्रा का दाग आता है कुछ कुछ दाग नहीं आता है व्हाइट वाला में। अच्छा दादा ये जावा वाला ये घूम रहा है ना दादा अभी फिंच के बारे में तो सबको पता चल गया कि फिंच हो गया। अभी जावा जो जावा जो बार्ड्स है ना जावा के बार्ड इसके बारे में बताइए कि ओपन ओफारी में कैसे छोड़ के रखा है क्या है इसके बारे में। जावा फर्स्ट काम करता है जैसे हमारे इसका बार्ड है धान खाता है अरे धान अच्छा पेड़ी पेड़ी वाला जो नॉर्मल जो चावल निकालते हैं उसमें धान नॉर्मल जो चावल वो भी कांगी जाना से नहीं चलेगा मतलब धान सबसे अच्छा बेटर फूड है अच्छा कांगी जाना और जो सॉफ्ट फूड है ना हाँ अच्छा सॉफ्ट फूड भी वही सेम खाता है ना फिंच फिंच जैसे लाभ बार जैसे सॉफ्ट फिंच जैसे। अरे ये मतलब सर बीट कैसे करता है मतलब कितना में कितना बीट करता है क्या है पहचान का तरीका क्या है उसका पहचान का तरीका ये है तो जो मेल है उसका थोड़ा ज़्यादा लाल होता है अच्छा मतलब ये फिंच की तरह और उसका जो मैंने नाक नाक का ऊपर थोड़ा ऊंचा लगता है थोड़ा ऊंचा आता है जो फीमेल है वो भी लेवल आता है अच्छा जिस तरह के एंगल से देखो हाँ तो जो फीमेल है वो लेवल देखेगा और जो मेल है वो ज़्यादा ऊंचा ऊंचा देखेगा और भोता अच्छा अच्छा मतलब जो मेल एयर कलर थोड़े जो कलर है थोड़ा सा डीप होगा डीप अच्छा उसका जो ऊंचा मतलब जो लीफ है थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा मिलेगा थोड़ा सा हाँ उत्तल मिलेगा ऐसा अच्छा कॉन्वेक्स जैसे मिलेगा और फीमेल वाला थोड़ा सा लेवल मिलेगा उत्तल है वो क्या कम होता है हमारा थोड़ा सा कम है मतलब हल्का सा लेवल है अच्छा तो मतलब हमारे ये जो गाल आंखे का नीचे किसी का काला काला फूल है उसमें सबका लेवल है सबका लेवल है तो ये पहले तो बैन था ना इसमें पहले तो जावा देव का बार से एक पहले कुछ केस चला था अभी बाकी ये सब उड़ गया सब इसको बीट करवा रहा है तो इसमें कोई बात नहीं है ना ना जावा जावा दीपर पास है जावा दीपर पास ना ना किलो प्रथम ये जावा दीपर बार कम हो गया केस किलो मुनी आते मुनी आते ना मुनी तो अखन बैंड आ जी इंडियन पास तो मुनी अखन मुनी अभी भी बैंड
अच्छा मोनी अभी भी बैंड है, जो जावा देता वही कोई बैंड नहीं है। अच्छा दादा कोई क्यों को बोले ना जे আমি এক মানে ধরো বার্স ব্রিডিং ফার্মের জন্য লাইসেন্স দরকার বা কি কি করতে হবে? যারা প্রকৃত পক্ষে চাষ চাষ করতে তাদের কোনো লাইসেন্স লাগবে না, কারণ কোনো ফার্মারকে কখনো লাইসেন্স করতে হয় না। আচ্ছা যে কোনো পৃথিবীর যারাই চাষ করতেছে চাষির কোনো লাইসেন্স নেই, যারা ব্যবসা করতেছে তাদের কিন্তু লাইসেন্স অবশ্যই দরকার আছে। ব্যবসা বলতে যে সেল করছে আর কি, তার তার কাজ একটাই, সে মানে একজনের কাছে তুলে সে বিক্রি করে দিয়ে, তার হয়তো চাষ আছে অল্প স্বল্প, সে কিন্তু চাষি না। আচ্ছা তাদের লাইসেন্স দরকার, তাদেরকে ইনকাম ট্যাক্স করতে হবে। চাষির কোনো সমস্যা নেই, চাষির ইনকাম ট্যাক্স দিলেও দিতে পারে, সে যখন থেকে বড় ছোট ধরনের হয় তাহলে কিন্তু কোনো ইয়ে লাগবে না। मतलब एक वर्धमान वाला जो वर्धमान वाला एक वीडियो में देखा था, कोई कोई होगा किसी ने पोस्ट डाला था, तो उसमें क्या बोला गया था पता है? क्या बोला कि जो लाइसेंस मतलब वो क्या लाभ पैरट बेच रहा था, मतलब ठीक तोता बाकी तोता बाकी आ रही है या बाकी जगह तोता इंडियन बाकी, इसलिए क्या हुमकी दे रहा था कि जिस जिसके पास बाढ़ है इंडियन पक्षी जिसके पास है हाँ मैंने वो भी तो ऐसे मैंने वो तो लागू नहीं है, जो बाकी है तो बाहर का पार्ट नहीं है। अच्छा और सबसे अच्छी वाली बात ये है कि दोस्तों जो फार्मिंग करता है इसका ना उसके लाइसेंस की जरूरत नहीं, जो सेलिंग करता है बाहर बेचने के लिए सेलिंग करता है उसको लकेट लाइसेंस चाहिए। फार्मर है उसमें कोई इशू नहीं है। तो और बाकी इधर तो मैं बता दिया आपको कैसे कैसे है दादा। ये जाफर दाम कौन हो गया मैंने 800 मैंने सफ़ेद और जरा सादा और ब्लैक था क्या ना सफ़ेद 1500। अच्छा जो जावा का अभी का जो प्राइस है ये व्हाइट वाला एक दिखाइए भाई इसको, वो वाला व्हाइट नहीं व्हाइट इधर है। अच्छा ये लाल लाल है, आंखों काला है। अच्छा ये व्हाइट नहीं है, ये जो बार्स काला, अच्छा अच्छा तो तेल काला है ना। अच्छा ये जो आप देख रहे हो ना ये जो देख वाला व्हाइट है ये वाला। अच्छा अच्छा पूरा पूरा सफेद होगा। हाँ वही वही इधर बैठा है वो भी सफेद है। अच्छा 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 ये जो आपको बार्स दिखाई दे रहा है ना ये वाला व्हाइट जावा नहीं है, ये ब्लैक जावा है। ब्लैक जावा है ना, अच्छा पाइड आर की पाइड जब तो इसमें तेल देखिए इसका तेल भी इसका हल्का सा ब्लैक है। तो मतलब अनुमानिक 800 से प्लस ऐसे उसका रेट चल रहा है, और जो प्योर व्हाइट होता है उसका 2000 रेट चल रहा है। 2000 ना दादा? अच्छा अभी दादा लाइट दिखा रहा है, दादा को थोड़ा सा दिखा दीजिए भाई। ये दादा है ना जेंटलमैन दादा है, इतना पोलाइटली कोई मतलब दिखाने के लिए कोई नहीं दिखाता है। अच्छा अच्छा চোখে জল কাটা এইসব রোগ হচ্ছে मतलब दादा ने ये बोलना चाहते हैं कि लाभ बाढ़ का जो बीमारी होता है ना वो जो फार्म का जो साफ सफाई होता नहीं उसके वजह से बीमारी ज्यादा पैदा होता है ना। सफाई होता नहीं। अच्छा अच्छा जो हवा अंतर भाव निकल रहा है अच्छा इसके वजह से ना। अच्छा अच्छा अभी दादा ये जावा बाढ़ मैंने कत बीट करे ठीक मैंने बीट करे गए মহঙ্গা নেই যে হোয়াইট বালা জবা বার্ডস হতো সবসে আছে ভাই এক দিখানা এই দেখ বাহার সে বাড়া।